छोटी नानी के साथ खेल रही है। इतनी इतनी खुश हो रही है। इतनी सब लोग रेडी हो गए, नाली कामना भी नाली, मम्मी नाली, पहले फार्म पे जाएंगे फिर निकलेंगे। पहले फार्म पे जाएंगे, सपना भी रेडी हो रही है और उसके बाद हम जाएंगे फार्म पे। फार्म पे जाएंगे और फिर फार्म से जब निकलेंगे घर, सब लोग रेडी हो गए, अब निकलने वाले हैं फार्म के लिए, उसके बाद जाएंगे हम अपने घर, तो निकलते हैं फिर। होगी और जेरी दोनों कर रहे हैं साथ में मस्ती, तो सुबह सुबह उनको खेलना ही आता है, उन्हें अच्छा लगता है खेलना। और अभी हम सब लोग निकल रहे हैं खेत के लिए, तो फार्म पे जाके देखेंगे क्या क्या लगा हुआ है वहाँ पे। तो सभी लोग जा रहे हैं फार्म पे, फिर वहाँ से आने के बाद जाएंगे हम अपने घर। तो अभी निकलते हैं सब लोग, सपना, आरू, आरोही, बुआ की लड़की, मम्मी, मैं, हम सब लोग जा रहे हैं। तो वहाँ पे सब्जी वगैरह कर रखी हैं, टमाटर भी लगे हुए हैं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आना है आगे, आ जा, तो आ जा इधर से, आ इधर से, चल मैं चढ़ाऊं, आ जा। आगे आना था तुझे, मम्मा कहाँ है? छोटी मम्मा बस में देख रही है, छोटी मम्मा, छोटी बस बस बस। ये रही मम्मा, छोटी की मम्मा। अच्छा मम्मा का नाम क्या है? सपना। आरु मम्मा, सपना की मम्मा। देख छोटी है, देख। फार्म हाउस हम पहुंच गए हैं, ये यहाँ गेट में एंटर हो गए हैं। अभी क्या है सपना इसमें? क्या ये खाली है या कुछ भी? मुझे भैया एक चीज नहीं पता कि भोग है इसमें कुछ, पर पता नहीं मुझे क्या कुछ ना कुछ। पापा जी या तो मूंगफली वगैरह होंगे, मैं आती नहीं हूँ। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं खेत पर और यहाँ पे आते ही हमने सबसे पहले उतरे, उतने के बाद सबसे पहले हमने देखी ये झोपड़ी जो बनी हुई है, ये जीजा जी ने अपने हाथों से बनाई थी, इसमें ना तो किसी कारीगर ने बनाई है ना किसी से बनवाई थी, तो जीजा जी ने खुद अपने हाथों से बनाई थी, ये फूस की और बांस की बनी हुई है। जीजा जी हमारे जानते थे थोड़ा बहुत, और जो सामने घर है जो पानी वाले हैं, जो रावत पानी आरो वाले हैं, तो उनके वहाँ टपरी ऐसे ही बनी हुई है, उन्होंने भी हाथों से ही बनाई थी, तो उसको देख के जीजा जी ने फिर यहाँ पर बनाई थी, क्योंकि गर्मियों में ये बहुत ठंडी रहती है, इसको पानी से थोड़ा गीला कर दो तो और भी अच्छी हवा आती है, ठंडी बनी रहती है ये, तो इसी के लिए बनाई थी। ज़्यादातर है यहाँ पे सभी के खेतों पे ये कुआं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे ड्रिप वाली खेती होती है, और किस किस के यहाँ ड्रिप वाली खेती होती है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और क्योंकि कहीं पर भी जाइए तो वहाँ खुला हुआ पानी देते हैं, लेकिन यहाँ पर ड्रिप वाला सिस्टम होता है कि पाइप में से एक 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 बूंद पानी पेड़ों में जाता रहता है, इसीलिए कुआं खोदते हैं। यहाँ पे पानी की कमी है एमपी में, तो पानी की वजह से यहाँ पे ड्रिप वाली खेती होती है। तो अभी खेत में टमाटर लगे हुए हैं, तो जो नीचे ये पन्नी बिछी हुई है इसके नीचे सबके नीचे ड्रिप लगी हुई है, इसमें से एक एक बूंद पानी का पेड़ों में जाता रहता है। और जो ये घर है ना जीजा जी ने, हमारे ग्वालियर में फार्म है किसी का, उसे देख के बनाया था ये। हमारे बड़े वाले जीजा जी का ड्रीम था कि हमें, छोटे वाले जीजा जी को हमेशा बोलते थे कि मोनू हमें जो फार्म है इस तरीके से बनाना है, क्योंकि पहले ग्वालियर में जीजा जी ऐसे ही एक फार्म में रहते थे, तो वहाँ पे देख के उन्होंने बोला था कि हम ऐसा ही फार्म बनाएंगे जब भी कभी बनाएंगे। तो छोटे वाले जीजा जी, बड़े जीजा जी का सपना था वो। राजवीर जीजा जी ने कुछ अलग सोचा था करने के लिए,
लेकिन वो बीच में ही छूट गया मिसयू जीजा जी। तो ये अभी ऊपर जा रहे हैं सभी लोग, ऊपर भी एक कमरा बनाया हुआ है, उसमें लाइट वगैरह तो लग गई थी। और ये सामने है जो ये किचन है, किचन बनाई थी और यहाँ साइड में चूल्हा भी बनाया था, चूल्हे पर रोटी कभी कभी बनाने के लिए। सब अच्छा चल रहा था, पता नहीं बीच में किसकी नज़र लग गई, और ऐसी नज़र किसी को भी ना लगे, मैं दुआ करता हूँ सब अच्छे ही रहे। तो ये ऊपर वाला रूम है, जीजा जी ने इसमें लाइट वगैरह तो लगवा दी थी, तो ये लाइट वगैरह से कंप्लीट है। इधर अभी जो भैया हैं जो खेत करते हैं तो वो रहते हैं यहाँ पर, और उनका वैसे गांव पास में ही है, गांव कभी कभी जाते हैं वो, ज़्यादातर यहाँ लेबर के साथ ही रहते हैं, तो लेबर के लिए अलग रहने के लिए बनाए हुए हैं रूम नीचे। और यहाँ पर वो भैया रहते हैं जो साझीदार हैं उनके। और सामने जो है जो हमारा स्विमिंग पूल बनाया हुआ है जीजा जी ने, बच्चों के लिए अलग बनाया था, और जो साइड में बच्चों के से वो गहराई है उसकी, वो गहरा है, वो खुद के लिए था, बड़े लोगों के लिए। उधर गाड़ी खड़ी हुई है। जो ये मंदिर है वो खेत वालों का ही मंदिर है। तब हम स्विमिंग पूल है जो छत से देख रहे थे, लेकिन पास जाके और भी अच्छा है। अभी इसकी सफाई वगैरह, क्योंकि अभी इसको यूज़ में नहीं लेते तो अभी सफाई नहीं हुई है इसकी, तो अभी हम जा रहे हैं इधर, सब्जी वगैरह की हुई है तो सभी पेड़ पौधे लगाए हुए हैं, बादाम का भी पेड़ है और मेथी गोभी वगैरह जो घर में यूज करने के लिए सब्जी वगैरह हैं, तो ज़्यादा नहीं है वो, बस घर के लिए यूज के लिए बोई हुई हैं इधर। और पेड़ है, ये वाली जो ड्रिप है ना, इसी ट्रिप के बारे में मैं आपको बता रहा था, तो धीमे धीमे देखिए इसमें पानी टपक रहा है, तो ऐसे ही पेड़ों की जड़ में चलता रहता है। ये बादाम का पेड़ है और यहाँ पे बेर, बेरिया बोलते हैं ना गांव में, तो बेर वाली बेर, दो बेर लगवाए थे, एक गोल है एक फैमिली है, दो हैं, किसको पकड़े हैं, कितने सारे बेर आ गए, छोटी सी कच्चे हैं पर अभी अभी बहुत मोटे हो जाएंगे, कच्चे हैं, कच्चे हैं अभी नहीं पके। पर पता है सोच, ये अभी इतने मोटे हैं तो बाद में कितने मोटे जाएंगे ना, बड़े बड़े वाले हैं वो वाले इतने होते हैं ना, 50 ग्राम। सपना और मम्मी जहाँ खड़ी हुई हैं, तो इस वाली साइड में मेथी है, पालक है, गोभी के पौधे हैं और बेर वगैरह सब कुछ इधर ही लगे हुए हैं। तो इधर जो भी जो मेड़े दिख रहे हैं, मेड़े बोलते हैं इनको, जितने भी मेड़े हैं तो सब पे सब्जियाँ हैं, मेड़ों पे मूली है, गाजर है, गोभी वगैरह, पीछे तक जो भी दिख रहे हैं आपको सब सब्जी हैं, और साइड में पेड़ लगे हुए हैं, बादाम का पेड़। ये हमारा कुआं है, तो यहाँ से मोटर की फिटिंग की हुई है, तो जितना भी पूरा खेत है जहाँ पे भी पानी जाना होता है तो पूरा पानी यहीं से सप्लाई होता है पैप के द्वारा, जिसे हम बोलते हैं यहाँ पे ड्रिप। तो ये ड्रिप के द्वारा ही सारे पेड़ पौधों में जो टमाटर की खेती है साइड में, सब में यहीं से पानी सप्लाई होता है, क्योंकि उधर नहर वगैरह है नहीं। तो अभी ये टमाटर है अभी पके नहीं है, 2-3 दिन बाद गाड़ी निकलती है रोज़ाना। हमारे ये ट्रैक्टर खड़े हुए हैं, तो इनसे टमाटरों को खेत से बाहर गाड़ी लोड करने के लिए, लाने ले जाने के लिए रख रखा है, क्योंकि इनसे ही बाहर तक गेट तक ले जाते हैं। कभी कभी बड़ी गाड़ी आती है तो वो अंदर नहीं आ पाती हैं, तो मम्मी और सपना यहाँ पे मेथी तोड़ रही हैं घर ले जाने के लिए, बोल रही थी पराठे बनाएंगे घर, तो मेथी काट रही हैं। क्या पत्थर, क्या करोगे इसका घर, घर ले जाओगे? तो यहाँ पे हमारी लौकी और तुरैया, देखो ये लग रही लौकी, मम्मी एक लौकी ले जाना, एक दो हो रही लौकी तो है ना, नहीं नहीं ले जाना, यहाँ अच्छी लगेंगी अपने खेत की, तो अभी हम लौकी तोड़ लेते हैं। ये है तुअर की दाल, इधर है तुरैया, इधर है लौकी, अब वो है सेम, सेम भी है, सेम की फली अभी आई नहीं है, पर सेम वो सफेद सफेद फूल लग रहा है ना, हाँ तो वो सेम है। ले सैंडल पहन ले आरू, सैंडल पहनाऊँ, आ जा, क्यों मिट्टी के, चलो घर पे।